चंद्रा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं महमूद हसन। आज अपने जो है लेक्चर की शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के, और आज का जो हमने टॉपिक लिया हुआ है वो है नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। अगर हम नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र, इस तंत्र का विकास केवल प्राणियों में होता है, जंतुओं में होता है, अर्थात वनस्पतियों और पेड़ पौधों में जो है इस तंत्र का क्या होता है, अभाव होता है। तो ये नर्वस सिस्टम ही है जो कि प्राणियों को, जंतुओं को जो है वनस्पतियों या पेड़ पौधों से ये क्या करता है, अलग करता है। कहने का मतलब है इस तंत्र का विकास केवल जो है वो प्राणियों में होता है या जंतुओं में होता है। अब ये जो नर्वस सिस्टम है इट एक्ट्स एज हाई स्पीड सर्विस, ये प्राणियों में या किसी भी जंतु में जो है ये द्रुतगामी सेवा की भांति कार्य करता है। जैसे मान लीजिए हम चल रहे हैं और चलते ही पैर अगर अचानक किसी कांटे पर या किसी पिन पे वो पड़ जाता है तो जब वो चुभता है तो तुरंत उसके दर्द का आभास होता है। तो तेजी से ये जो सूचना जो है आपके शरीर में पहुंची और आपको दर्द का आभास हुआ, ये किस सिस्टम के बदौलत हुआ, तो इस नर्वस सिस्टम के बदौलत हुआ। कोई वस्तु बहुत गर्म है या बहुत ठंडी है, जैसे ही छूते हैं हम उसको जो है उसके ठंडक या फिर जो है उसकी गर्मी का जो हमको तुरंत आभास हो जाता है वो किस सिस्टम के बदौलत होता है, वो सिस्टम कौन सा होता है, नर्वस सिस्टम। एक शब्द में हम कह सकते हैं इट एक्ट्स एज हाई स्पीड सर्विस, ये जो है द्रुतगामी सेवा की भांति कार्य करता है। अगर इस तंत्र का विकास ना हो तो पता लगा अगर हमारा पैर अग्नि पे पड़ गया और जो है हमको सूचना नहीं मिल पा रही तो पूरा का पूरा पैर क्या हो जाता है, जल सकता है। तो शरीर की सुरक्षा की दृष्टि से इस तंत्र का विकास जो है होना क्या होता है, बहुत आवश्यक होता है। किसी वस्तु को हम देखते हैं तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं ये फला व्यक्ति है, ये हमारा दोस्त है या दुश्मन है, और देख करके जो तुरंत हम रिस्पांस देते हैं, आइडेंटिटी करते हैं, दुश्मन है तो उससे हम अलर्ट हो जाते हैं, दोस्त है तो उस तरीके का बिहेवियर अपनाते हैं। तो कहने का मतलब कम समय में, लिमिटेड टाइम में, मिली सेकेंडों में हम तुरंत जो है हमारे शरीर में जो स्टिमुलस या उद्दीपन को देख करके प्रतिक्रिया होती है उस किस सिस्टम के बदौलत हो रही है, तो वो नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र के बदौलत हो रही है। और इस तंत्र का विकास जो है ये किसके किस में हो रहा है, केवल प्राणियों में हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र की, तो नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र जो होता है ये बना होता है नर्व सेल से या तंत्रिका कोशिका से मिलकर के बना होता है। जो नर्व सेल होती है, जो तंत्रिका कोशिका होती है, इसको हम न्यूरॉन के भी नाम से जानते हैं। पूरे शरीर में जो है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका या नर्व जो है सेल का क्या होता है, जाल फैला होता है, और इनकी सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो मस्तिष्क में होती है। तो न्यूरॉन या नर्व सेल या फिर जो है तंत्रिका कोशिका की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ होती है, वो ब्रेन या मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क में इनकी संख्या क्या होती है, अरबों में होती है। अब पूरे शरीर में इनका जाल हो, जैसे मैंने हाथ को ऐसे स्पर्श किया तो इस स्पर्श ज्ञान का आभास तुरंत हमको हो जाता है, शरीर के इस अंग में स्पर्श हुआ है। तो ये किसके माध्यम से सूचना तेजी से मस्तिष्क की ओर भेजी गई, तो किस सिस्टम किस जो है सेल के माध्यम से भेजी गई, तो वो नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका के माध्यम से भेजी गई। एक शब्द में हम कह सकते हैं तंत्रिका कोशिका की यूनिट, नर्वस सिस्टम की यूनिट या तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या हुई, नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका हुई। फिर नर्व सेल जिसको हमने न्यूरॉन कहा, इनके अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को हम नाम दे देते हैं क्या, न्यूरोलॉजी। ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज न्यूरोलॉजी कहते हैं, और इसके विशेषक को न्यूरोलॉजिस्ट के जो है हम संज्ञा देते हैं, मतलब तंत्रिका तंत्र के विशेषक को इसी न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका के नाम पर के नाम पे हम नाम दे देते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। फिर और अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम के रिस्पेक्ट में, तो लॉन्गेस्ट सेल इन एनिमल किंगडम, जो तंत्रिका कोशिका होती है किसी भी प्राणी या किसी भी जो है जंतु में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जंतु जगत में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो जंतु जगत में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो हमारी होती है नर्व सेल या न्यूरॉन होती है। अगर इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट सेल इन एनिमल किंगडम, जंतु जगत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है एग ऑफ ऑस्ट्रिच होता है या शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो शुतुरमुर्ग का अंडा जंतु जगत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट है। लॉन्गेस्ट की बात करें, सबसे लंबाई में हम बात करते हैं, तो नर्व सेल है या तंत्रिका, तो इसमें कंफ्यूज ना होना, नहीं होना है आपको। अगर लॉन्गेस्ट सेल पूछे तो न्यूरॉन टिक करना है, लार्जेस्ट सेल पूछे तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच को टिक करना है, ठीक है। फिर और अगर हम बात करें
नर्वस सिस्टम के रिस्पेक्ट में जोड़ करके किसे न्यूरॉन या जो है नर्व सेल की अगर हम बात करते हैं तो लीस्ट रीजनरेशन पावर, कहने का मतलब है एक ऐसी एक कोशिका होती है जिनमें जो है पुनर्निर्माण की क्षमता या पुनरुद्भवन की क्षमता वो क्या होती है सबसे कम होती है या ना के बराबर होती है। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है किस प्रकार की कोशिका में जो है पुनरुद्भवन या पुनर्जन्म की क्षमता या पुनर्निर्माण की क्षमता जो है नहीं होती है या सबसे कम होती है, तो उसके लिए हम टिक करेंगे किसको, न्यूरॉन को या नर्व सेल को या तंत्रिका कोशिका को। कहने का मतलब है तंत्रिका कोशिका में पुनर्निर्माण या पुनरुद्भवन की क्षमता अदर जो है कोशिका की तुलना में सबसे कम होती है। फिर और अगर हम बात करें न्यूरॉन या नर्व सेल के रिस्पेक्ट में, अगर हम एम्ब्रियो की बात करते हैं, एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, मतलब किसी भी चाइल्ड की जो प्रारंभिक अवस्था होती है जायगोट के बाद जो भ्रूण होती है, भ्रूण में तीन जोन होते हैं, तीन लेयर होते हैं, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। तो तीन लेयर से एम्ब्रियो या भ्रूण बनता है, तो भ्रूण के किस जोन या किस स्तर से जो है नर्वस सिस्टम का विकास होता है, तंत्रिका तंत्र का या नर्व सेल या न्यूरॉन का विकास होता है, तो इक्टोडर्म से होता है। इसीलिए हम कहते हैं नर्व सेल इज इक्टोडर्मल इन ओरिजिन, मतलब जो है नर्वस सिस्टम जो है भ्रूण के किस स्तर से विकसित होएगा, तो वो इक्टोडर्म से विकसित होएगा। फिर अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं, तो नर्वस सिस्टम को तीन श्रेणी में हम कैटेगराइज करते हैं, तीन श्रेणी में इसको हम बांटते हैं। पहली इसकी जो श्रेणी है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। तो दूसरे प्रकार का जो नर्वस सिस्टम होता है वो PNS होता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है। और तीसरा जो इसकी तीसरी जो श्रेणी है, जो कैटेगरी है, वो है ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, ये स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा। तो एक बहुत ब्रॉड जो है रिस्पेक्ट में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, एक शॉर्टकट में अगर हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम को तीन श्रेणी में हम बांटते हैं CNS, PNS, ANS। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में व्यक्ति का ब्रेन आता है, मस्तिष्क आता है और स्पाइनल कार्ड आता है, मेरुरज्जू आता है। जबकि PNS की अगर हम बात करते हैं, इसमें जो है क्रेनियल नर्व आती है और स्पाइनल नर्व आती है, क्रेनियल तंत्रिका और स्पाइनल तंत्रिका आती है। फिर इसी तरीके से ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। आज के हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे CNS केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो पार्ट होता है ब्रेन या मस्तिष्क, इसकी चर्चा हम करेंगे। पूरी की पूरी चर्चा जो है हम फोकस किए हुए हैं ब्रेन या मस्तिष्क पे। अगर मानव के ब्रेन की बात करें, मस्तिष्क की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है मस्तिष्क स्थित कहाँ होता है, तो मस्तिष्क स्थित होता है क्रेनियम में, और क्रेनियम को हम जो है ब्रेन बॉक्स या मस्तिष्क कोष कहते हैं। तो हमारी स्कल में खोपड़ी रीजन में जो है जो एक क्रेनियम जो होती है जिसको हमने कहा मस्तिष्क कोष, उसी में मानव का ब्रेन या मस्तिष्क स्थित होता है। मस्तिष्क कोष जिसको हमने कहा क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स कहा, इसकी अगर हम जो है इसके आयतन की अगर हम बात करते हैं, तो इसका आयतन जो है 1400 सीसी से लेकर के 1500 सीसी के लगभग होता है। एग्जैक्ट अगर हम बात करें होमो सेपियंस के केस में, वर्तमान मानव की अगर हम बात करते हैं, तो मानव के मस्तिष्क कोष का आयतन कितना होता है, 1450 सीसी होता है। ठीक है, नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करते हैं 1400 से लेकर 1500 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर के लगभग होता है। तो मस्तिष्क कोष जिसमें व्यक्ति का मस्तिष्क स्थित होता है, मस्तिष्क कोष नाम दे दिया। ब्रेन की अगर हम वेट की बात करते हैं, तो ब्रेन का वेट भार जो होता है 1.4 केजी होता है, 1.4 किलोग्राम के लगभग, 1400 ग्राम के लगभग होता है। ब्रेन जो होता है चारों ओर से तीन मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, तीन झिल्लियों से घिरा होता है मानव का ब्रेन। बाहर वाली झिल्ली को हम नाम दे देते हैं ड्यूरा मेटर, क्या नाम दे देते हैं, ड्यूरा मेटर। बीच वाली झिल्ली को नाम दे देते हैं अरेक्नॉइड, अरेक्नॉइड। और सबसे अंदर वाली झिल्ली को हम नाम दे देते हैं क्या, पाया मेटर, तो पाया मेटर। तो तीन झिल्लियों से ये कवर्ड होता है मानव का ब्रेन, और तीनों झिल्लियों को सम्मिलित रूप से हम नाम दे देते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस का मतलब मस्तिष्क झिल्ली। सबसे बाहर वाली झिल्ली का नाम है ड्यूरा मेटर, बीच वाली झिल्ली का नाम है अरेक्नॉइड, और सबसे अंदर वाली झिल्ली का नाम क्या है, पाया मेटर होता है। तो डाइव के सिक्वेंस में याद करना है आपको, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है मस्तिष्क के पार बाहर पाई जाने जो झिल्लियों का जो क्रम होता है उनका सीक्वेंस क्या है। सबसे बाहर ड्यूरा मेटर, बीच का अरेक्नॉइड, और जो है सबसे अंदर वाला वो क्या होता है, पाया मेटर होता है।
इन झिल्लियों के बीच, जो कि मस्तिष्क को चारों ओर से ये कवर्ड करती हैं, इन झिल्लियों के बीच एक फ्लूइड मटेरियल भरा होता है और उस फ्लूइड मटेरियल को नाम दे देते हैं CSF। सी से जो है यहाँ से हो गया सेरिब्रो, सेरिब्रो, और एस से जो है स्पाइनल हो गया, और एफ से जो है वो क्या हो गया, फ्लूइड हो गया। तो CSF जो होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, एक प्रकार का फ्लूइड मटेरियल है या तरल पदार्थ है जो कि मस्तिष्क की झिल्लियों के बीच ये पाया जाता है। इनमें अगर जो है बैक्टीरिया का या फिर जो है वायरस का अगर इन्फेक्शन हो जाता है इन झिल्लियों के बीच CSF में, तो उसी रोग को हम नाम दे देते हैं क्या, मेनिनजाइटिस। तो मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस एक प्रकार का जो है ये मस्तिष्क ज्वर है, और मेनिनजिस के बीच CSF में जो है बैक्टीरिया या वायरस का अगर संक्रमण हो जाता है, इसी को हम नाम दे देते हैं मेनिनजाइटिस। एक इंस्ट्रूमेंट या उपकरण होता है जिसको हम नाम दे देते हैं EEG। EEG का जो फुल फॉर्म होता है, ई से हो जाएगा इलेक्ट्रो, और फिर जो है फिर ई से हो जाएगा इंसीफेलो, इलेक्ट्रो इंसीफेलो, और फिर जो है जी से हो जाएगा ग्राम। तो इलेक्ट्रो इंसीफेलोग्राम एक एपरेटस है, एक उपकरण होता है जिनके माध्यम से जो है मस्तिष्क की क्रियाविधि का हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। तो EEG उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, मस्तिष्क की क्रियाविधि का हम पता लगाएंगे। मेनिनजाइटिस इन्फेक्शन है बैक्टीरिया या वायरस का मेनिनजेस के बीच में CSF में, और CSF जो होता है मस्तिष्क के चारों जो झिल्लियां कवर्ड की रहती हैं उनके बीच में पाया जाने वाला या भरा हुआ फ्लूइड मटेरियल ये जो होता है ये क्या होता है, CSF नाम दे देते हैं। और जो तीनों झिल्लियों का जो क्रम होता है, बाहर से अंदर की ओर ड्यूरामेटर, बीच में अरेखनड, अंदर वाली पायामेटर, तो ये झिल्लियाँ जो ये जो CSF जो होते हैं, इट इज केस फ्रॉम जर्किंग, ये मस्तिष्क को जो है क्या करते हैं, ये झटके से बचाते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें मस्तिष्क के पार्ट की, अगर हम यहाँ पे हम डायग्राम नहीं बना पाए क्योंकि इतना जो है आपको समझाना था पॉइंट वाइज रूप में, केवल मस्तिष्क के जो ये सब पार्ट हैं उनके क्या क्या अलग अलग भाग हैं, उनके सब क्या क्या कार्य हैं, इन तक ही यहाँ पे जो है हमने लेक्चर को सीमित किया, और डायग्राम यहाँ पे हमने नहीं बनाया जगह जो है कम होने के कारण। मस्तिष्क की अगर हम बात करते हैं तो मस्तिष्क के तीन प्रमुख भाग होते हैं, अगर मोटे मोटे रूप में अगर हम बात करते हैं। सबसे बाहरी वाला भाग वो कहलाता है फोर ब्रेन कहलाता है, मतलब जो है बीच का वाला जो पोर्शन होता है वो मिड ब्रेन कहलाता है, और सबसे जो है लास्ट वाला जो भाग होता है वो जो है क्या क्या कहलाता है, हाइंड ब्रेन कहलाता है। तो मस्तिष्क के तीन प्रमुख भाग मोटे मोटे रूप में डिवीजन अगर हम करते हैं, पहला भाग जो है अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन, दूसरे वाले भाग को नाम दे देंगे मिड ब्रेन, और तीसरे वाले को भाग को नाम दे देंगे हाइंड ब्रेन की संज्ञा देते हैं पश्चिम मस्तिष्क की। फिर अगर हम बात करें फोर ब्रेन के क्या क्या भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क का जो सबसे तीन प्रमुख भाग होता है अग्र मस्तिष्क का, उसको एक भाग का नाम है ऑल्फैक्ट्री लोब। तो ऑल्फैक्ट्री लोब पूछ लिया जाता है किस मस्तिष्क का ये भाग होता है, तो ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है ऑल्फैक्ट्री लोब। और इसका मेन कार्य क्या होता है ऑल्फैक्ट्री लोब का, जिसको हिंदी में कहते हैं घ्राणपिंड, इट इज द सेंस पावर ऑफ, ये लिखा हुआ है स्मेल, मतलब ये गंध ज्ञान का केंद्र बिंदु होता है। किसी भी प्रकार की सुगंध हो या जो दुर्गंध होती है, जो हमको जो आभास हो जाता है, उसका आभास किसके माध्यम से होता है, ऑल्फैक्ट्री लोब के माध्यम से होता है। फिर एक डॉग फिश होती है जिसको हम जो है स्कॉलियोडॉन के नाम से भी हम जानते हैं, डॉग फिश, तो डॉग फिश को हम जो है स्कॉलियोडॉन भी कहते हैं, स्कॉलियोडॉन। और ये कार्टिलेजिनियस फिश होती है, मतलब इसमें जो है बोन या हड्डी नहीं पाई जाती है, इसके अंदर का स्केल्टन जो होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। तो डॉग फिश या स्कॉलियोडॉन में जो होती है ये बहुत ज़्यादा विकसित होता है ऑल्फैक्ट्री लोब। और जैसे नाम है डॉग फिश, मतलब कुत्ता भी, जो डॉग होता है जो कुत्ता हो, तो उसमें भी ये पोर्शन ज़्यादा विकसित होता है ऑल्फैक्ट्री लोब। तो इसका जो मेन कार्य है इसमें लिया गंध ज्ञान का, तो इसमें जितना ज़्यादा विकसित रहता है उसमें उतना ही ज़्यादा ये वर्क करता है। तो कुत्तों में सूंघने की जो क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, तो इसी के ऑल्फैक्ट्री लोब के डेवलप अवस्था में पाए जाने के कारण, बालों के केस में ये इल डेवलप्ड अवस्था में होता है, इसका बहुत ज़्यादा विकास जो होता है ये नहीं होता है ऑल्फैक्ट्री लोब का। फिर और आगे अगर हम बात करें तो फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क का जो दूसरा प्रमुख भाग होता है वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम से एग्जामिनर क्वेश्चन बहुत निकालता है, इसमें ये पूछा जाता है विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, तो क्या होता है सेरिब्रम, पूरे मस्तिष्क का दो तिहाई भाग ये अकेले बनाता है, इट मेक्स लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो और इसके अगर हम बात करते हैं सेरिब्रम की, तो इसका मेन कार्य क्या होता है, इट इज द सेंस पावर ऑफ विजडम या बुद्धि ज्ञान का केंद्र बिंदु होता है। बुद्धि ज्ञान में क्या क्या आता है, सोचना हुआ, विचारना हुआ, तर्क करना हुआ, स्मृति है, चिंतन है, ठीक है,
भाषण देना, जितनी भी ये सब क्रियाएं हैं एक शब्द में हम कह सकते हैं बुद्धि ज्ञान। तो थिंकिंग, लर्निंग, रीजनिंग, मेमोरी, स्पीच, सोचना, विचारना, याद करना, तर्क करना, ठीक है, भाषण देना, ये सब क्रियाएं जो है किसके अंतर्गत आती हैं? विजडम के अंतर्गत आती हैं, जिनको हमने नाम दे दिया सेंस पावर ऑफ विजडम। तो जो हमारा सेरिब्रम है ये बुद्धि ज्ञान का केंद्र बिंदु है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है, स्मृति का केंद्र बिंदु है, चेतना का केंद्र बिंदु है, सोचने विचारने का केंद्र बिंदु है, भाषण कौशल के विकास का केंद्र बिंदु है, ठीक है, तार्किक क्षमता के विकास का केंद्र बिंदु है, ये सब जो क्रियाएं सब बुद्धि ज्ञान के अंतर्गत आती हैं और सब गवर्न किसके द्वारा हो रही हैं? ये सेरिब्रम के द्वारा हो रही हैं। इसीलिए हम कहते हैं इट इज द सेंस ऑफ पावर ऑफ विजडम, बुद्धि ज्ञान का केंद्र बिंदु है। और ये जो होता है इट मेक्स लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, तो लार्जेस्ट पार्ट ये कौन है हमारा? ये सेरिब्रम हुआ। तीसरा अगर हम बात करें फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क का, तो अग्र मस्तिष्क का जो तीसरा प्रमुख भाग होता है वो डायन्सीफेलान होता है। तो जो ये डायन्सीफेलान है, डायन्सीफेलान के दो मुख्य रूप से तल होते हैं। इसके जो है पृष्ठ तल को एपिथैलेमस नाम दे देते हैं और इसके अधर तल को हम नाम दे देते हैं हाइपोथैलेमस नाम दे देते हैं। तो हाइपोथैलेमस से ही सामने पूरा का पूरा क्वेश्चन निकालता है। हाइपोथैलेमस किसका भाग है? डायन्सीफेलान। और डायन्सीफेलान किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का। तो हाइपोथैलेमस के जितने भी कार्य हैं सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए व्यक्ति के शरीर में जब पोषक तत्व की कमी होने लगती है तो व्यक्ति को भूख का आभास होता है। इंटेस्टाइन से आंतों से जो है ये सूचना जाती है हमारे हाइपोथैलेमस में और वो जो है आपको जो है भूख लगने का आभास होता है। तो एपेटाइट भूख के ज्ञान का केंद्र बिंदु है। शरीर में जब जल की कमी होने लगती है, पानी की जब कमी होने लगती है, हमको प्यास का अनुभव होता है। तो प्यास और भूख की जो चेतना जो जागृत होती है वो किसके माध्यम से गवर्न होती है? तो हाइपोथैलेमस के माध्यम से। जैसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भूख लगी है और प्यास लगी है तो व्यक्ति जब खाना खा लेता है और पानी पी लेता है तो एक कंडीशन ऐसी आती है, सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, आप एक गिलास, दो गिलास, तीन गिलास, चार गिलास, इवन जो अगर हम पानी पी लेते हैं तो एक कंडीशन आती है कि आपको लगता है कि अब जो है संतुष्टि मिल गई, प्यास बुझ गई है। बहुत ज़्यादा भूख लगी है, खाना खाते खाते एक कंडीशन ऐसी आती है पेट भर गया, आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। तो भूख और जब प्यास जब मिट जाती है तो संतुष्टि मिलती है। तो इस सेटिस्फैक्शन का आभास कौन कराता है? हाइपोथैलेमस कराता है। जब संतुष्टि मिल जाती है तो व्यक्ति को क्या आने लगती है? नींद आने लगती है। तो खाना खाने के बाद जो नींद आती है तो उसका सीधा सा सिक्वेंस है, उस भोजन को पचाने के लिए पूरा ब्लड का फ्लो या सर्कुलेशन वो आंतों की तरफ होता है। जब आंतों की तरफ होता है तो ब्रेन को रेस्ट मिलता है, आराम मिलता है और व्यक्ति को क्या आ जाती है? नींद आ जाती है। अर्थात संतुष्टि के बाद ये निद्रा का केंद्र बिंदु होता है। जब व्यक्ति नींद में आ जाता है तो वो स्वप्न देता है। जो स्वप्न व्यक्ति देख रहा है किसके प्रभाव में देख रहा है? हाइपोथैलेमस। तो ये जो है स्वप्न का केंद्र बिंदु हुआ। जब व्यक्ति स्वप्न देता है, स्वप्न में अच्छे और बुरे स्वप्न देखता है, तो स्वप्न में मान लीजिए व्यक्ति किसी से प्रेम कर रहा है, ठीक है, तो प्रेम का भी केंद्र बिंदु कौन हुआ? हाइपोथैलेमस हुआ। और प्रेम में मान लीजिए बेवफाई हो गई, इस तरीके से आपको लगा कि हमको जो इस तरीके से कुछ जो है चीज़ें इस तरीके से हो रही, हमारे साथ धोखा मिल रहा है, तो आप प्रेम के बदले जो है उसमें आप घृणा करने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं। तो घृणा का केंद्र बिंदु ये कौन होता? हाइपोथैलेमस होता है। अब जब व्यक्ति गुस्से या घृणा से बहुत लाल पीला हो जाता है, व्यक्ति कहता है ना कि अपना इतना ज़्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाए हुए, कहने का मतलब है एक्स्ट्रा स्वीटिंग होने लगती है, पसीना निकलने लगता है इरिटेशन होने से। और व्यक्ति की अगर मान लीजिए नींद खुल जाती है तो ये सोचता चलो ठीक है स्वप्न ही देखा था, ओरिजिनल लाइफ में ये चीज़ें नहीं थी। जो टेम्परेचर बॉडी का बढ़ा हुआ था वो धीरे धीरे वो कूल डाउन हो जाता है, नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। अर्थात थर्मोरेगुलेटरी या तापमान नियंत्रण का केंद्र बिंदु होता है हमारा क्या? हाइपोथैलेमस होता है। इतने कार्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है भूख का केंद्र बिंदु है, प्यास का केंद्र बिंदु है, तापमान नियंत्रण का केंद्र बिंदु है, या फिर और अगर हम बात करते हैं निद्रा या जो है स्वप्न का केंद्र बिंदु, ये इन सब के लिए हम किस ऑप्शन को टिक करेंगे? हाइपोथैलेमस को हम टिक करेंगे। ठीक है, हाइपोथैलेमस से इतने प्रमुख क्वेश्चन जो है पूछते हैं, हमें एक सीक्वेंस ऑर्डर में हमने आपको यहाँ पे समझा दिया है। तो थर्मोरेगुलेटरी जो हमने बताया, मानव जो होता है ये जो होता है कैसा प्राणी होता है? होम्योथर्मिक एनिमल है, मतलब हर मौसम में व्यक्ति का टेम्परेचर जो है एक जैसा होता है, 98.6 डिग्री फारेनहाइट या 37 डिग्री व्यक्ति का टेम्परेचर जो है एक जैसा हमेशा हर मौसम में। ठंडी हो तभी उतना टेम्परेचर शरीर का, गर्मी हो तभी शरीर का टेम्परेचर, किसी भी ऋतु की अगर हम बात करते हैं
तो व्यक्ति का टेम्परेचर या तापमान जो रेगुलेट या जो नियंत्रित किए हुए है वो ब्रेन का पार्ट होता है। और ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है? हाइपोथैलेमस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है सर, तापमान नियंत्रण का केंद्र बिंदु है तो वो कौन रेगुलेट करता है? ये हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, अभी हमने मोटे मोटे रूप में आपके जो है फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क की चर्चा किया, मतलब ऑल्फेक्टरी लोब क्या है, फिर सेरिब्रम क्या है, फिर डायसेफेलन, डायसेफेलन से जोड़ करके हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के ये सब कार्य जो है कि हमने चर्चा की। हमारा लेक्चर केवल ये सीमित है कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, उस जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं इस ब्रेन से उन सब को हमने एक शॉर्ट रूप में आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। दूसरा जो प्रमुख भाग है वो है व्यक्ति का मिड ब्रेन या जिसको हमने कहा मध्य मस्तिष्क। और जो व्यक्ति का जो मध्य मस्तिष्क होता है वो चार पिंडों से मिल करके बना होता है। मध्य मस्तिष्क कितने पिंडों से मिलकर बना होता है? चार पिंडों से मिल करके ये बना होता है। और उन चार पिंडों को नाम हम दे देते हैं ऑप्टिक लोब। क्या नाम दे देते हैं? ऑप्टिक लोब नाम दे देते हैं। इसी को हम कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजिमिया। कार्पोरा क्वाड्री का मतलब चार होता है। तो व्यक्ति का जो मध्य मस्तिष्क होता है चार पिंडों से मिल करके ये बना होता है। और ये जो चारों पिंड जो होते हैं ये जो है सॉलिड अवस्था में होते हैं। और अगर हम फ्रॉग के केस की अगर हम बात करें, मेढक के अगर हम केस की बात करते हैं, तो फ्रॉग में जो होता है मध्य ब्रेन दो पिंडों से मिल करके बनाता है, जिसको हमने हिंदी नाम दे दिया दृष्टपिंड, और उसको नाम दे देते हैं कार्पोरा बाइजीमिया नाम दे देते हैं। तो मानव में चार स्तनधारी में चार पिंडों का बना, मानव भी स्तनधारी वर्ग का प्राणी है, तो स्तनधारी में मिड ब्रेन चार पिंडों से मिल करके बना, इट इज मेड अप ऑफ फोर लोब, इसीलिए नाम दे दिया क्या? कार्पोरा क्वाड्रिजिमिया ऑप्टिक लोब। अब हम देते हैं जैसे मान लीजिए व्यक्ति की आंख है या नेत्र है, तो नेत्र की जो सूचना होती है, देखने की जो सूचना होती है वो जाती है कहाँ पे? ऑप्टिक लोब में जाती है। तो एक शब्द में कह सकते हैं इट इज द सेंस फॉर ऑफ विजन, दृष्टि ज्ञान का केंद्र बिंदु होता है। किसी वस्तु को जब हम देखते हैं तो नेत्र में जो है जो रेटिना भाग होता है उस रेटिना भाग का इमेज या प्रतिबिंब बनता है। और ये जो इमेज जो ये प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। और जो प्रतिबिंब जो है उल्टे होते हैं वो वास्तविक होते हैं, मतलब इनको वास्तविक जो प्रतिबिंब होते हैं इनको स्क्रीन या पर्दे पर हम नहीं देख सकते हैं। तो नेत्र के रेटिना भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और रेटिना से निकलते हैं ऑप्टिक नर्व या दृष्टि तंत्रिका निकलती है। और वो ऑप्टिक नर्व या दृष्टि तंत्रिका व्यक्ति के ब्रेन में जाती है। और ब्रेन में वो जाती है कहाँ पे? वो ऑप्टिक लोब में जाती है। और उस किसी भी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब जो है मस्तिष्क के इसी पटल पर वो दिखता है। तो मस्तिष्क के जिस पटल पर किसी वस्तु का जो इमेज या प्रतिबिंब जो बनता है सीधा और व्यक्ति देखता है या देखने का आभास करता है वो कौन होता है? ऑप्टिक लोब होता है या कार्पोरा क्वाड्रिजिमिया होता है। इसीलिए एक शब्द में हमने कह दिया कि ऑप्टिक लोब या जो दृष्टि पिंड जो होता है वो सेंस फॉर ऑफ विजन होता है, दृष्टि ज्ञान का केंद्र बिंदु होता है। अगर हम आंख की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए नेत्र है ये, इधर का नेत्र है ये, ठीक है, तो बायोलॉजी में आपका जो है जो डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं वेंट्रल व्यू देखा जाता है। जैसे हम इधर की बात करें, इधर का दाहिना हिस्सा और इधर वाला हिस्सा क्या हो गया? बायां हिस्सा हो गया। तो ये वाली कौन सी आई हो गई? राइट आई हो गई। और इधर वाली आई जो है ये लेफ्ट आई हुई। तो जो दाहिनी आंख होती है, दाहिनी आंख की जो सूचना होती है वो बाएं साइड में जाती है। किसके बाएं साइड में जाएगी? ऑप्टिक लोब के दृष्टि पिंड में। इसी तरीके से जो बाएं साइड की आंख होती है, इस बाएं साइड की आंख के दृष्टि ज्ञान की सूचना ये ब्रेन के ऑप्टिक लोब के जिस पिंड में जाती है वो दाहिने में जाती है। और ये जो नर्व होती है ऐसे क्रॉस करके वो ब्रेन में जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये हुआ कि दाहिनी आंख को ब्रेन का कौन सा पार्ट देखता है? बायां भाग देखता है। और बाई आंख का जो ब्रेन का जो ऑप्टिक लोब का जो पार्ट देखता है वो दाहिना भाग देखता है, ठीक है। एक मोटे मोटे रूप में हमने यहाँ पे आपको ये समझा दिया, चियाजमेटा ऐसे फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो ऑप्टिक नर्व है ये जा रही है। तो ऑप्टिक लोब या जो दृष्टि पिंड है ये मिडिल ब्रेन का ये पार्ट होता है और दृष्टि ज्ञान का ये केंद्र बिंदु होता है। फिर तीसरे भाग की अगर हम बात करते हैं, ब्रेन का जो तीसरा प्रमुख भाग होता है वो हाइंड ब्रेन है, पश्चिम मस्तिष्क है। इसके दो मुख्य भाग होते हैं, है तो बहुत से बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर हम नहीं कर रहे हैं, दो मुख्य भाग होते हैं, एक को हमने नाम दे दिया सेरिबेलम और दूसरा है मेड्यूलो ऑब्लंगाटा। तो ये जो सेरिबेलम होता है, पूछ लेता है सेरिबेलम, ड्रम से आप
ये सेरिब्रम है, अग्र मस्तिष्क का। यहाँ पे क्या, सेरिबेलम है। तो सेरिबेलम जो होता है ये पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। इसका कार्य एग्जाम में बहुत पूछता है। तो इक्विलिब्रिया ये मेंटेन करता है, ये साम्यावस्था को मेंटेन करता है। इक्विलिब्रिया कहने का मतलब है ये बैलेंस या संतुलन बनाने का केंद्र बिंदु होता है। जैसे मान लिया मैं खड़ा हूँ, खड़े होकर के बोल रहा हूँ, ठीक है, इच्छा के अनुसार अपने मसल्स को, हाथ को या पैर को हिला डुला रहा हूँ, तो चाहे पेशियों को हिलाएं या फिर जो है कंकाल तंत्र मतलब हाथ पैर जो हड्डी का पोर्शन हो तो उसको हिलाएं या अपना संतुलन बनाएं, इन सब को ये मेंटेन करता है। कौन, सेरिबेलम मतलब मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मतलब ये हुआ पेशीय संचालन का ये केंद्र बिंदु हुआ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। अभी हमने बताया कि हम इच्छा के अनुसार अपनी मसल्स को, हाथ को यहाँ पे ले गए, इच्छा के अनुसार अपने हाथ को नीचे ले गए, इच्छा के अनुसार हम पैर को आगे बढ़ाए, बैठ जा रहे हैं, झुक जा रहे हैं, जितना भी मसल को हिला डुला रहे हैं इच्छा के अनुसार, सब किसके द्वारा गौर्न हो रहा है, सेरिबेलम के द्वारा। यह मस्कुलर कोऑर्डिनेशन पेशीय संचालन का केंद्र बिंदु है। ये साम्यावस्था मेंटेन करता है, संतुलन बनाता है। हम दौड़ रहे हैं संतुलन बनाए हुए, हम झुक के चल रहे हैं संतुलन बनाए हुए, बैठे हैं संतुलन बनाए हुए हैं, खड़े हैं संतुलन बनाए हुए, तो जो हम अपना संतुलन बनाए हुए, बैलेंस बनाए हुए हैं, ये काम कौन कर रहा है, सेरिबेलम कर रहा है। फिर एक आँख, ये कान का भी पार्ट होता है, इंटरनल ईयर, उसकी चर्चा हम डिटेल्स में हम प्रीवियस जो है क्लास में हम कर चुके हैं। तो इंटरनल ईयर भी जो है ये संतुलन बनाने का भी केंद्र बिंदु होता है। इसीलिए हम कहते हैं ईयर इज द स्टार्टर एकॉस्टिक ऑर्गन, श्रोण संतुलन अंग है, मतलब कान सुनने का भी कार्य कर रहा है, संतुलन बनाने का। इंटरनल ईयर संतुलन बनाता है। अब ब्रेन का ये पार्ट सेरिबेलम, ये भी संतुलन बनाता है। संतुलन दो प्रकार का, डायनेमिक इक्विलिब्रिया और स्टैटिक इक्विलिब्रिया, स्थिर अवस्था में संतुलन और गतिशील अवस्था में संतुलन। स्थिर है तब भी संतुलन है, दौड़ रहे हैं चल रहे हैं तब भी संतुलन है, दोनों संतुलन ये मेंटेन कर रहे हैं। कौन, सेरिबेलम। तो दो शब्द इसमें ध्यान में रखिए, पेशीय संचालन का केंद्र बिंदु है ऐच्छिक पेशियों के जो कि इच्छा के अनुसार जो है हिल डुल रही या चल रही है वो, और दूसरा ये संतुलन बनाता है। कौन, सेरिबेलम। और सेरिबेलम किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का या पश्च मस्तिष्क का, ये भाग होता है। लास्ट अगर हम बात करते हैं तो पश्च मस्तिष्क का सबसे पिछला जो ये भाग होता है ये जो होता है ये कहलाता है मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा। तो मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा मेक्स पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, पूरे मस्तिष्क का सबसे पिछला वाला भाग जो होता है वो होता है मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा। इसके दो मुख्य कार्य एग्जाम में पूछता है। पहला जो है रेट ऑफ रिस्पायरेशन, ये श्वसन दर को ये नियंत्रित करता है। व्यक्ति या मानव एक मिनट में जितनी बार जो है सांस को अंदर लेता है और जो है जितनी बार जो है सांस को बाहर निकलता है, इसी को हम कहते हैं रेट ऑफ रिस्पायरेशन या श्वसन दर। और ये 14 से 16 बार या 14 से 18 बार नॉर्मल कंडीशन में हो रही है। व्यक्ति अगर दौड़ नहीं रहा, एक्सरसाइज नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर रहा है, तो ये एक दर लयबद्ध तरीके से 14 से 18 बार जो एक श्वसन दर है, इस श्वसन दर को ये मेंटेन करता है। कौन, मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा। दूसरा इसका जो मुख्य कार्य है हार्ट बीट रेट, यह श्वसन दर को भी ये नियंत्रित करता है। मानव का जो हृदय होता है ये हर मिनट लगभग 70 से 72 धड़कन करता है, और इनकी जो धड़कन की क्रिया होती है ये गवर्न होती है या मेंटेन होती है लयबद्ध तरीके से। 70 से 72 जो धड़कन हो रही है पर मिनट, ये किसके द्वारा गवर्न हो रही है, मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा। तो हार्ट बीट रेट मतलब ये हृदय स्पंदन दर, रेट ऑफ रिस्पायरेशन, श्वसन दर, ये दोनों को मेंटेन करता है। तो जीवन के लिए सांस का चलना और हृदय का धड़कना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों प्रक्रिया बंद हो गए तो जीवन समाप्त हो जाता है, और ये दोनों महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं जो है ये गवर्न होती है मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा के। अगर ब्रेन के पिछले हिस्से में अगर चोट लग जाती है, अगर ये चोट लग जा रही है और सांसें जो है रुक रुक कर आ रही है, समझ लें ये पोर्शन बेद का डैमेज है, मतलब मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा। इसीलिए सांस जो है रेट वो मेंटेन नहीं हो पा रही है। बाकी इसके अतिरिक्त मेट्यूरेशन है, ठीक है, स्नीजिंग है, इन सब का जो है ये केंद्र बिंदु होता है। तो एक मोटे रूप में हमने जो है नर्वस सिस्टम में स्पेशल टॉपिक को ब्रेन को लेकर के आपको संक्षिप्त रूप में जानकारी दी। आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर डेमो क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।